Hello everyone, good evening children and welcome back to my channel Study Time. So I hope you all are keeping fine and in very good spirits and also keeping yourselves busy in the studies, right? So today we are going to continue with our chapter Life Process and we are going to do the last part of our chapter, that is excretion in plants. Now see, we have already finished learning about the excretion in human beings. In human beings, excretory products are in the form of soluble nitrogen compounds and these are removed by nephrons in the kidneys. Now, what about the plants? Plants mein kya hota hai? Plants, they use completely different strategies for excretion than those of animals. Aur wo kya hai? For example, jaise photosynthesis hota hai, to usme jo oxygen hota hai, wo byproduct ke roop mein nikalta hai. Photosynthesis mein hume maloom hai ki carbon dioxide hai inorganic raw material. कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर रिएक्ट करते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है जो कि एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है और प्लस ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है. तो ऑक्सीजन एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, राइट? एंड और जो एक्सेस वाटर होता है कई प्लांट से ट्रांसपिरेशन के थ्रू लेट आउट कर दिया जाता है. तो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता रहता है उसका जो एक्सेस वाटर होता है वो इस तरह से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में निकल जाता है. और जो दूसरे वेस्ट होते हैं उनका वो उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं? तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें डेड सेल्स भी होते हैं, राइट? So many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. Leaves yellow ke gir jati hain. Many plants waste products are stored in cellular vacuoles. Plant cell mein major part jo hota hai wo vacuole ka hota hai. Jaise ye ek plant cell ka diagram hai. Isme hum dekhenge ki plant cell mein hamesha vacuole jo hota hai kafi bada space occupy karta hai. और इसको इसमें जैसे जो वैक्यूल होता है इसमें सेल सैप होता है, लिक्विड एनर्जी स्टोर. सेल सैप जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. सो लिक्विड एनर्जी स्टोर हाउस होता है वैक्यूल. और इसके अलावा सेल वैक्यूल में बाकी जो प्लांट वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो भी स्टोर रहते हैं, राइट? सो दिस इज द प्लांट सेल. सो इसमें वैक्यूल्स में हमेशा जो वेस्ट होता है वो जमा रहता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. जो पत्तियां गिर जाती हैं जैसे येलो होके लीव्स गिर जाती हैं तो उनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स. रेजिन्स और गम्स जो सब्सटेंसेस जो निकलते हैं प्लांट से, जैसे ट्रीज होता है, हम देखते हैं कई बार ट्रीज में से एक गम या जैसे जो उसका ट्रीज के जो बार्क होते हैं, जो मेन उसका ये स्टेम या ट्रंक बोलते हैं जिसको, ट्रंक में से ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस निकलता रहता है. बड़े बड़े पेड़ों के जो ट्रंक्स होते हैं उनमें से, तो उनको हम गम्स बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं, राइट? तो ये भी एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होते हैं. सो स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम. जाइलम जो टिश्यू होता है, जाइलम क्या है? जाइलम है वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर, राइट? सो जाइलम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो जो ओल्ड जाइलम होता है उसमें से फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स इस तरह से निकलते हैं रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेज इन टू द सॉइल अराउंड देम. तो प्लांट्स जो होते हैं, बेसिकली प्लांट्स में ये सारी ये स्ट्रैटेजीज होती है, ये अलग अलग तरह की ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को निकालने में. सो इसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सो प्लांट्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल, वेस्ट मटेरियल मे बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और इज गम्स एंड रेजिन्स. देन इट माइट बी रिमूव्ड बाय इन द फॉलिंग लीव्स एंड ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन टू द सराउंडिंग सेल्स. सराउंडिंग सॉइल, सॉरी. सो ये था एक छोटा सा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है. हमने जो प्रीवियस मेरे जो प्रीवियस सेशंस थे स्टडी टाइम में, आप देखेंगे हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स इसके कवर किए हैं.
न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम के बारे में भी पढ़ा है, देन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एंड लास्ट काज का था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक ये है थिंक इट ओवर, इसको भी हम कर लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही जेनरस एक्ट है, राइट? सो ऑर्गन डोनेशन, इट्स अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज और हर फैमिली। तो ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, किसी का अगर किडनी काम नहीं कर रहा है या लिवर या फिर कोई भी ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये सब या तो इसमें फिर दो चीज़ें होती हैं कि अगर किसी की सडनली डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली के लोग बोलते हैं ठीक है हम हमारे जो चले गए हैं उनके हम ऑर्गन्स को हम डोनेट करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली ये करना होता है और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो फिर उसके जो जितने फंक्शनल ऑर्गन्स हैं और जो भी पेशेंट के काम में आ सकता है वो फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, राइट? सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं इसको। सो एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। साइंस ने बहुत एडवांस किया है तो टिश्यू भी है, मतलब टिश्यू भी डोनेट किया जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी के ऑर्गन डोनेशन से किसी और की लाइफ बच सकती है, सो इट्स अ वेरी नोबल एक्ट। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपियंट्स ऑर्गन्स हैव बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड from one person who is the organ donor and transplanted to another person the recipient। तो जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको रेसिपियंट बोलते हैं और जो डोनेट करता है अपना ऑर्गन उसको ऑर्गन डोनर बोलते हैं। ना कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड कॉर्नियाज, जैसे किसी में कई बार क्या होता है आइज़ में जो कॉर्निया होता है वो अगर डैमेज हो चुका है और वहाँ पे और उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। किडनीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड, हार्ट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड इवन बोन मैरो, बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। नाउ मोस्ट ऑर्गन्स एंड द टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। कई बार ब्रेन डेथ हो जाती है तो जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि वो पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है तब फिर उनकी जो फैमिली होती है उनके कंसेंट से ही फिर ये, अगर वो कंसेंट कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम ऑर्गन डोनेट कर देते हैं तो पेशेंट का, तो फिर वो डॉक्टर कर सकते हैं उसको ट्रांसप्लांट उन ऑर्गन्स को। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती है, तो इवन इफ द डोनर इज अलाइव तो उसमें से एक किडनी निकाल के और पेशेंट को लगाई जा सकती है। तो जो लोग विलिंगली जो राजी हो जाते हैं कि ठीक है हम अपनी एक किडनी दे देंगे और इससे अगर किसी की जान बच सकती है तो फिर वो दे देते हैं, तो पेशेंट जो होता है जो डोनर होता है वो एक किडनी से भी सर्वाइव करता है। पार्ट ऑफ लिवर, लिवर का भी एक पार्ट डोनेट किया जा सकता है वेल स्टिल द डोनर इज अलाइव। लंग, लंग भी इस तरह से, और टिश्यूज़ ये भी डोनेट किए जा सकते हैं व्हेन द वाइल द डोनर इज स्टिल अलाइव। तो डोनर को भी कुछ नहीं होता है और जो पेशेंट होता है उसकी भी जान बच जाती है। सो दिस वाज अबाउट ऑर्गन डोनेशन। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो कि फिल्टरिंग यूनिट होती है किडनी की, तो उसमें आपको आंसर में एक तो है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना होगा और एक्सप्लेन करना होगा इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में आपको ये पूरा लिखना होगा कि किस तरह से
ये काम करता है और सो फ्रॉम दिस पैराग्राफ यू कैन राइट राइट. जैसे यहाँ से लिख सकते हो नेफ्रॉन क्या है ईच, और जैसे ये ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ, तो ये इसका स्ट्रक्चर में आ जाएगा और यहाँ तक फुल यू हैव टू राइट. क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का क्वेश्चन पूछा है तो ये फिर बड़ा क्वेश्चन होता है, मतलब ज़्यादा मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है राइट. सो दिस इज डन. देन व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. सो ये इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ये वाला जो कॉलम है व्हाट हैव यू लर्न्ड, तो यहाँ पे जो ये लास्ट पॉइंट है यू कैन राइट दिस वन. प्लांट्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटीरियल्स. फॉर एग्जांपल वेस्ट मटीरियल मे बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और इज अ गम एंड रेजिन रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स और एक्सक्रीटेड इन टू द सराउंडिंग सॉइल. सो ये आपका आंसर नंबर 2. देन थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. यूरिन का जो प्रोडक्ट यूरिन को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो इसमें हमें लिखना होगा या फ्रॉम हेयर हाउ इज इट रेगुलेटेड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूरिन, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंडर द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर. इट लीड्स टू अर्ज leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under the nervous control, right? And so यहाँ तक ये छोटा सा इसका आंसर है. So this much you will have to write. Right children? So this is it. With this we have finished our chapter. So this is your questions. ये multiple choice questions हैं इसमें कुछ. First है the kidneys in the human beings are part of the system for nutrition, excretion, respiration and transport. So kidneys जो होते हैं excretory system का part है. Second है the xylem in the plants are responsible for transport of water, transport of amino acids, transport of food and transport of oxygen. Transport of water, xylem और phloem दो vascular tissues होते हैं plants में, तो xylem जो होता है वो water का transport करता है और phloem है वो food का transport करता है. Third is autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, sunlight, chlorophyll, all of the above. So we'll write all of the above. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in the cytoplasm, chloroplast, mitochondria and nucleus. तो respiration में हमने पढ़ा था aerobic respiration में कि जो glucose जब cell में enter करता है तो glucose का initial breakdown cytoplasm में होता है, फिर वो 3-carbon compound pyruvate में convert होता है. Pyruvate का जो further breakdown होता है वो mitochondria में होता है. तो answer होगा हमारा mitochondria. Right? The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in the mitochondria. Then we have these questions as well. How are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? Alimentary canal mein jo part hota hai jisme ki fat ka digestion hota hai uske bare mein aapko likhna hai. What is the role of saliva in the digestion of food? रोल ऑफ saliva, salivary gland होते हैं ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं तो salivary gland से saliva प्रोड्यूस होना शुरू होता है. saliva में salivary amylase होते हैं ये एंजाइम है और इनिशियल जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा वो सिंपलर कंपाउंड में ब्रेकडाउन हो जाता है. तो इनिशियल digestion of carbohydrate takes place in the mouth itself with the action of salivary amylase, right? What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts?
सो नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? फर्स्ट है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, और क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो पॉसिबल होती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि एक तो है कि ग्रीन प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और सेकंड ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी ज़रूरत होती है। देन सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द एनर्जी इज ऑब्टेंड, द सोलर एनर्जी इज यूज्ड। सो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इज अ मस्ट। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स? तो बाय प्रोडक्ट्स में जो पहला ये ऑक्सीजन होता है बाय प्रोडक्ट, राइट, ऑक्सीजन। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एनएरोबिक मोड ऑफ फर्स्ट तो है डिफरेंसेस लिखने हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एंड ऑर्गेनिजम्स में हम ईस्ट का नाम लिख सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो, तो ये सब एनऑर्गेनिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है इनका। देन हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वियोली लंग्स में हमने पढ़ा था कि जो ट्रैकिया होता है वो बाइफर्केट होता है, दोनों लंग्स में जाता है, और फिर वो ब्रोंकाइज बनाता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बनते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होता है, या सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर वंस अगेन। सो दीज आर, तो यहाँ से हम देखें ट्रैकिया होता है वो ब्रोंकाई, दोनों लंग्स में ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एयर सैक्स में कन्वर्ट बन जाते हैं। तो ये एयर सैक्स जो होती है ये एल्वियोली है, तो एल्वियोलर मैक्सिमाइजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंटर्स इन टू द लंग्स व्हेन वी ब्रीद इन एयर, राइट। सो आफ्टर इनहेलेशन नाउ दिस एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, सो फ्रॉम दिस एयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द कैपलरीज विच आर रिच इन दीज एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड बाय कैपलरीज कंटेनिंग ब्लड। सो इन द ब्लड द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन एंड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, now let's quickly see this. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies? Hemoglobin ki kami se kya hota hai? To oxygen deficiency ho jayegi, right? Aur hemoglobin kyunki wo oxygen ko transport karta hai, oxygen deficiency ho jayegi, to oxygen uske then energy will be less, aur jo body hogi it will suffer because there will be less energy. तो जो person होगा वो बहुत lethargic सा रहेगा, उसमें energy नहीं रहेगी और anemic हो जाएगा, anemia हो जाता है, right? Now describe the double circulation of blood in human beings and why is it necessary? Double circulation का मतलब होता है blood जब heart से दो बार pass होता है, एक बार pulmonary circulation होता है, एक बार lungs से pass होता है, deoxygenated blood ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट में आता है, फिर सेकेंड सर्कुलेशन होता है, पूरे सिस्टम्स में पूरे ऑर्गन्स में जाता है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एओटा के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाता है, और फिर वापस वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। तो इस तरह से दो सर्कुलेशन होते हैं, तो उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, और ये नेसेसरी है क्योंकि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो एक बार जब ऑक्सीजन सेल्स में चली जाती है यूज़ अप हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना होता है, तो लंग्स एक बार हार्ट में आके फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। सो टू फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर यूजिंग द ऑक्सीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम? सो इसमें आपको डिफरेंसेस एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है इसका मेन फंक्शन,
और फ्लोएम है तो उसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर नेक्स्ट आपको ये लिखना होगा कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज फ्लो होता है वाटर का, और जो फ्लोएम है उसमें बायडायरेक्शनल फ्लो होता है, राइट? मूवमेंट जो होता है बायडायरेक्शनल होता है। देन वी हैव, और फिर आप इसमें लिख सकते हो एलिमेंट्स के बारे में, जाइलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम में कितने। जाइलम में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, एंड सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग होता है। फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स वो डेड होते हैं, बाकी सारे लिविंग होते हैं। सीव एलिमेंट्स जैसे सीव सेल्स हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स हैं, ये सारे लिविंग होते हैं, राइट? ठीक है, तो ये सब आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस लिखने होंगे। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोले इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो लंग्स में जैसे फंक्शनिंग यूनिट होती है एल्वियोली, एल्वियोली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और वो मेन उसका फंक्शनिंग यूनिट है, राइट? और जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन्स फिल्टरिंग यूनिट होती है। तो एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज इन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो रही है, तो जो फिल्टरिंग यूनिट बोल सकते हैं लंग्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसमें, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने में वो हेल्प करता है, और ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द गैसेस। ऑक्सीजन विल एंटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम इन कैपिलरीज ऑफ एल्वियोली एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम इन टू द लंग्स। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। सेम वे नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन में वो फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो इसमें है कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो आपको स्ट्रक्चर के दोनों के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ग्लोमेरुलाए और नेफ्रॉन का जो यूनिट होता है बोमेंस कैप्सूल, ये वाला जो डायग्राम है एक्सक्रीशन, या दिस वन, तो ये बनाना होगा इसमें। और एल्वियोली का ये छोटा जो डायग्राम है दिस वन, ये आपको बनाना होगा, ये भी बना सकते हो। और फिर इनके फंक्शंस को लिखना है टेबुलर फॉर्म में, या सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटली फिनिश्ड विद आवर चैप्टर। अब हम नेक्स्ट जो है, और आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो, व्हाट हैव यू लर्न, तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, मतलब चैप्टर के सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन चिल्ड्रन, बाय, गुड नाइट।